हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN पर स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो मैंने आपको बेज प्रमेय समझाया था, उसी क्रम में बेज प्रमेय पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसको देखिए और समझिए, बेज प्रमेय को आसानी से सीखेंगे। एक बीमा कंपनी ने 2000 मोटरसाइकिल चालकों, 4000 कार चालकों एवं 6000 ट्रक चालकों का बीमा किया, यदि उनकी दुर्घटनाओं की प्रायिकता आप ध्यान दीजिएगा। जैसे ये 1/100, 3/100 और 15/100 लिखा है। कभी कभी प्रश्न में यही ऐसे लिख देते हैं दुर्घटना की, जैसे 1% लिख दिया, 3% लिख दिया, 15% लिख दिया। ठीक है बेटा, तो चाहे ऐसे लिखा हो चाहे इस तरह लिखा हो एक की बात है। इन्होंने कहा यदि बीमित व्यक्तियों में से एक के साथ दुर्घटना हो तब प्रायिकता पूछी है। प्रायिकता वह मोटरसाइकिल, तो इसका मतलब जो मुझसे पूछा है वह है दुर्घटना, दुर्घटना वाला व्यक्ति, दुर्घटना जिसके साथ हुई हो वह मोटरसाइकिल वाला हो। ये इन्होंने पूछा मोटरसाइकिल वाला, ठीक, दुर्घटना वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल वाला हो, यह बात हमसे पूछी है। अब ध्यान देना, एवन आपकी घटना क्या हो गई। आप घटना का जो प्रकार है, चूंकि घटना तो हमको सारे प्रकार लिखने होते हैं, जो घटना का प्रकार है वो आपका क्या है बेटा, यहाँ पर अलग अलग क्रम है। जैसे मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल चालक हो या कार चालक हो या ट्रक चालक हो, ठीक है बेटा, तो तीनों की अलग अलग शर्तें हमारी हो गई। अब देखो बेटा, तीन कंडीशन हो गई, A1, A2, A3। क्या क्या हो गया बेटा, A1 हो गया व्यक्ति मोटरसाइकिल वाला हो, मोटरसाइकिल वाला, ठीक है बेटा। A2 आपका हो गया मोटरसाइकिल, बाद दिया है कार, तो व्यक्ति क्या हो, कार वाला हो। A3 आपका क्या दिया है, व्यक्ति जो है वह किसका हो, ट्रक वाला हो, ट्रक वाला हो, बहुत ध्यान से समझिएगा। और दुर्घटनाओं की प्रायिकता हमारे सवाल में दी है, तो हम क्या करें, पहले ये निकाल लें कि P1 आपका क्या हो गया। देखो बेटा, मोटरसाइकिल के व्यक्ति कितने हैं बेटा, 2000, तो 2000 बटे कुल 2000, 4000 और 6000, 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, ठीक, तो ये हो गया 2000 बटे 6, 4, 10, तो 12, यानी कि 1/6, ठीक बेटा। PA2 निकाल लो, यह आपका आएगा, A1 हो गया मोटरसाइकिल वाला, अगर व्यक्ति कार वाला हो, कार हमारा 4000 है, तो 4000 बटे टोटल ही 12000, तो ये 1/3 हो गया, ठीक है बेटा। PA3 निकाल लो, तो ये आपका हो गया, अब A3 हमारा, ये ट्रक वाला कितना, 6000 बटे 12000, तो ये हो गया 1/2। ये मैंने A1, A2, A3 निकाल लिया। अब इन्होंने कहा है प्रायिकता ज्ञात करो कि जिसके साथ दुर्घटना हो वह मोटरसाइकिल वाला हो, तो मोटरसाइकिल वाला मैंने A1 माना, तो मुझसे पूछा गया P A1/A, ये इसके साथ घटना हो, तो ये बेटा क्या होगा, P A1 × P A/A1, और बटे में आपका आ जाएगा P A1 × P A/A1 प्लस P A2 × P A/A2 प्लस P A3 × P A/A3। यहाँ तक तो बेटा कोई दिक्कत है नहीं, कोई डाउट हो बताइए। अब जो हमारी ये A1 A2 A/A1 A/A2, और क्योंकि ये हमारी प्रायिकताएं हमारे इस सवाल में दुर्घटनाओं वाली दी हैं, तो इनके देखो ये पहली हो गई A/A1 A/A2 A/A3, क्लियर, तो सारे मान रख दीजिएगा। तो देखो बेटा, P A1 है आपका 1/6 × A/A1 1/100 है, बटे 1/6 × 1/100 प्लस अगला है 1/3 और गुणे ये 3/100 है, 3/100 प्लस
1/100 बेटा, 1/6 × 1/100, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है बेटा। 1/3 × 3/100, फिर 1/2, और ये आपकी जो a/a3 है 15/100 है, 15/100, ठीक। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, देखो बेटा 1/100 तो हमारा कॉमन है, 1/100 × 1/6, हर से 1/100 कॉमन ले लो, 1/ और यहाँ 3 से 3 काट दीजिएगा, तो आपका अंदर बच गया 1/6 + 1 और +15/2, 15/2, तो देखो इसको पहले ही कट कर दो, तो अंश में रह गया आपका 1/6 और हर में एलसीएम ले लो 6, तो यहाँ 1+ यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 2 × 3 = 6, 15 × 3 = 45, ये 6 से 6 कट गया, तो 1/45 = 46 = 52। तो इस बात की प्रायिकता कि जिस व्यक्ति के साथ घटना होगी, यानी कि जो व्यक्ति इंजर्ड होगा, घायल होगा, दुर्घटना होगी, वह व्यक्ति मोटरसाइकिल वाला होगा, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1/52। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह मैंने आपको लगातार छोटे छोटे वीडियो देकर अच्छे अच्छे प्रश्न दिए हैं और इन्हीं जैसे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।